ओम नमः शिवाय सीरियल को फुल एचडी क्वालिटी में पूरा देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारे नए नए एपिसोड्स देखने को मिलते रहें। मैं ओंकार हूं, जो प्राणी सदा अहंकार में डूबे रहते हैं मैं उनके लिए विकार हूं, किंतु संभाव और समदृष्टि रखने वाले प्राणियों के लिए मैं कर्णधार हूं, मैं ओंकार हूं। आकाश मार्ग से जाते हुए नारद नीचे वन प्रदेश में महर्षि परशुराम को देखकर उनके दर्शन करने आते हैं, किंतु उनके क्रोध से पीड़ित होकर अदृश्य हो जाते हैं। उधर कैलाश पर पार्वती गणेश को निर्देश देती है कि वो शिव की समाधि स्थल तक किसी को ना आने दे, किंतु परशुराम वहां आकर प्रवेश करना चाहते हैं, तो गणेश के साथ विवाद होता है, तत्पश्चात युद्ध भी। नारद व देवराज ये देखकर चिंतित होते हैं। अंत में परशुराम का परसा गणेश का एक दांत तोड़ देता है। पार्वती क्रुद्ध होती है, पर शिव वहां आकर स्थिति स्पष्ट करते हैं। तभी कार्तिकेय भी वहां आ पहुंचते हैं। तत्पश्चात गणेश, कार्तिकेय, शिवगण व भूत पिशाच कंदुक खेलने लगते हैं। शिव पार्वती दोनों पुत्रों की विवाह की चर्चा करते हुए उन्हें विश्व परिक्रमा का आदेश देते हैं, पर गणेश माता पिता की परिक्रमा कर विजयी होते हैं और कार्तिकेय परिक्रमा को पूरी करते हुए अगस्त ऋषि के आश्रम की ओर प्रस्थान करते हैं। ओम नमो भगवते रुद्राय, शिवे भक्ति शिवे भक्ति, भक्तिर शिवे शिवे, अन्यथा शरणम नास्ति, त्वमेव शरणम मम। कार्तिकेय का प्रणाम स्वीकार करें मुनिवर। यशस्वी भव। शिव भक्ति एवं वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार करने का वचन पूर्ण करने के लिए आ गए हो, ये जानकर अति प्रसन्न हूँ। मैं अपना वचन अवश्य पूर्ण करूंगा मुनिवर, किंतु इस समय मैं आपके दर्शन करने आया हूँ। माता पिता की आज्ञा से मैं पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकला हूँ। ये कार्य पूर्ण होते ही मैं आपके पास लौटाऊंगा और अपने शेष कर्तव्य को पूर्ण करूंगा। माता पिता की आज्ञा से परिक्रमा करने निकले थे तो उनकी आज्ञा का उल्लंघन कर या आश्रम में क्यों चले आए? मैंने कोई आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया मुनिवर। पृथ्वी की परिक्रमा करते समय मार्ग में आपका आश्रम आया तो आपके दर्शन का लोभ भी मन में आ गया। दर्शन सत्य है, किंतु दर्शन का लोभ सत्य नहीं है। यहाँ आने का अन्य कारण भी है। हाँ पूज्यवर, अन्य कारण भी है। क्या? पृथ्वी की ये परिक्रमा मेरे और छोटे भाई गणेश के बीच एक स्पर्धा है और छोटे भाई को पराजित कर मैं विजयी होना नहीं चाहता। क्यों? यदि ऐसा हुआ तो जगत में सदा सदा के लिए बड़े भाई के बड़प्पन के प्रति साधारण जन का विश्वास ही उठ जाएगा। जगत का विश्वास प्राप्त करने के लिए तुम क्या स्पर्धा में होने वाली विजय को खो दोगे? जगत के विश्वास की प्राप्ति से बड़ी विजय और क्या है मुनिवर? उसके सामने अन्य सभी विजय तुच्छ हैं। ऐसा ही है और ऐसा ही होगा। यशस्वी भाव, मन प्रसन्न कर दिया है तुमने। जिस शिव भक्ति और वैदिक धर्म का प्रचार तुम करना चाहते हो उसका व्यवहार तो तुम्हारे जीवन में उतर चुका है। तुम अपने अभियान में अवश्य सफल हो गए कार्तिकेय। आज्ञा दीजिए मुनिवर, गणेश मेरी प्रतीक्षा कर रहा होगा। गणेश भैया शांत हो जाइए, कार्तिकेय भैया आ जाएंगे। अरे आ तो जाएंगे, पर ये क्या उचित हुआ? तो अनुचित क्या हुआ? मैंने अपने माता पिता की परिक्रमा करके पृथ्वी परिक्रमा को छोटा बना दिया, क्या ये उचित हुआ? आपने स्वयं कहा था गणेश भैया कि माता पिता सर्वोपरि होते हैं, तो उनकी परिक्रमा भी श्रेष्ठ और उचित ही मानी जाती है।
ऐसा मैं मानता था, आप भी मानते हैं, पर क्या बड़े भ्राता कार्तिकेय भी ऐसा मानेंगे? हो सकता है उन्हें यह अप्रिय लगे। यही सोच सोच कर मन व्यथित हुआ जा रहा है। क्यों लगेगा अप्रिय? आप दोनों भाइयों में तो अटूट प्रेम है, आपके इस कार्य से वे व्यथित होंगे। ये सोच के आपको व्यथित होना व्यर्थ है। फिर भी मैं उनसे क्षमा अवश्य मांगूंगा। देवी पार्वती, आज गणेश की बुद्धिमत्ता ने उसके उज्जवल भविष्य का परिचय दिया है। निश्चय ही गणेश जन जन द्वारा पूज्य होगा। गणेश ही क्यों, कार्तिकेय भी ज्ञान और धर्म के विषय में अग्रणी है। वह ना तो केवल ऋषि मुनियों का सत्संग करता है, अपितु वे उसका उपदेश सुनने के लिए लालायित रहते हैं। अपने माता पिता के प्रति उसके मन में आदर सम्मान है, तो छोटे भाई गणेश के लिए अगाध स्नेह भी है। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि गणेश को विजयी करने के लिए ही वह लौटने में विलंब कर रहा है। संभव तो तुम्हारा विचार सही हो, पर जब तक कार्तिकेय लौट नहीं आता तब तक इस विषय में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। गणेश भी उसी की प्रतीक्षा कर रहा है। गणेश भैया वो देखो, मार कार्तिकेय आ गए। शिवनंदन कुमार कार्तिकेय की जय हो। शिवनंदन कुमार कार्तिकेय की जय हो। गणेश, तुम मुझसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके लौट आए, इसकी मुझे प्रसन्नता है। इस विजय के लिए बधाई। कैसे विजय और कैसे बधाई, मैं तो लज्जित हूँ और क्षमा प्रार्थी भी, क्योंकि मुशक रात को पहले माता पिता के दर्शन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त कर ले, उसके पश्चात इस विषय पे चर्चा करेंगे। आओ। शिवनंदन कुमार कार्तिकेय जी। लो, कार्तिकेय भी आ गया और अब दोनों इसी ओर आ रहे हैं। हाँ, दोनों की जय जयकार भी हो रही है। आप दोनों के विवाह की घोषणा अवश्य कर दें। देवी, हम अपनी इच्छा को पुत्रों पर थोपने के पक्ष में नहीं। ऐसा क्यों कह रहे हैं स्वामी? पुत्रों का विवाह तो माता पिता की इच्छा से ही होगा। अवश्य होना चाहिए, पर कार्तिकेय अपनी विवाह करने की अनिच्छा प्रकट कर चुके हैं। वे धर्म कार्य और लोक कल्याण में प्रवृत्त हैं। शिवनंदन कुमार कार्तिकेय की जय। गौरी पुत्र गजानन गणेश की जय। भगवान भोलेनाथ गौरी शंकर की जय। तुम दोनों ही पृथ्वी परिक्रमा में विजयी रहे हो। गणेश ने अपने पृथ्वी कौशल से माता पिता की परिक्रमा करके पृथ्वी परिक्रमा का पुण्य प्राप्त किया, और कार्तिकेय ने पृथ्वी की परिक्रमा करके माता पिता की आज्ञा का पालन किया। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आओ नारद, तुम सदा ही समाचार लेकर आते हो, आज समाचार लेकर जाना। भगवान, क्या है वो शुभ समाचार जो कैलाश से प्रसारित होने जा रहा है? मैं भी तो सुनूं। गणेश और कार्तिकेय दोनों ही पृथ्वी की परिक्रमा स्पर्धा में विजयी होकर लौटे। निसंदेह शुभ समाचार है। स्पर्धा में दोनों का विजयी होना जगत के लिए शुभ संदेश है। शुभ संदेश कैसे नारद? माता, प्रायः स्पर्धा में ईर्ष्या अहंकार और दुर्भावना गतिमान रहती है, परंतु ये स्पर्धा जगत की अनूठी स्पर्धा मानी जाएगी। स्कंद कुमार कार्तिकेय मंद गति से अपने वाहन मयूर पर जा रहे थे ताकि अनुज गणेश की विजय हो, और गणेश ने विजय की लाभ या लोभ से नहीं, माता पिता की आज्ञा का पालन पूर्ण करने के हेतु माता पिता की परिक्रमा की। माता, ये आदर्श स्पर्धा क्या जगत को ये शुभ संदेश नहीं देती? यदि स्पर्धा सद्भावना पूर्ण हो तो दोनों पक्ष
संतुष्ट और विजयी हो सकते हैं। नारद, तुमने तो समाचार को शुभ संदेश बना दिया। नारायण नारायण, बनाने बिगाड़ने का कार्य नारद से कैसे हो सकता है भगवान भोलेनाथ? ये सब तो आपकी लीला है। सात्विक गुणों से संपन्न आपके दोनों पुत्र बधाई के पात्र तो है ही, परंतु उनके माता पिता होने के नाते आपको भी बधाई हो। अपनी बधाइयों का भंडार सुरक्षित रखना नारद, हम शीघ्र ही दोनों का विवाह कर रहे हैं, उस समय आवश्यकता होगी। मैंने इन दोनों के लिए कन्याएं भी देख ली हैं। भगवान भोलेनाथ की इच्छा के अनुरूप मैंने राजा विश्वरूप को आपका संदेश पहुंचा दिया था। वे अपनी दोनों पुत्रियों सहित इस विषय पर आपसे निवेदन करने यहाँ आए भी थे। माता भोलेनाथ, अब अधिक विलंब न करें, मैं शीघ्र ही आपके इस निर्णय की सूचना उन्हें देता हूँ। नहीं देव ऋषि, नहीं, ये संभव नहीं। संभव नहीं? नारायण नारायण, कैलाश की इस पुण्य धरती पर शक्ति स्वरूपा माता पार्वती और तीनों लोकों के स्वामी पिता भगवान भोलेनाथ के गुण संपन्न पुत्र कुमार कार्तिकेय के लिए असंभव क्या है? ये सत्य तो शक्ति और सामर्थ्य का परिचायक है देवऋषि, किंतु विवाह का विषय सर्वथा भिन्न है। विवाह न करने का अपना निर्णय तुम्हें से पूर्व भी स्पष्ट कर चुका हूं। इस विषय में मुझे अधिक विवश ना किया जाए तो मेरे हित में होगा। अब मुझे दक्षिण क्षेत्र में जाने की आज्ञा प्रदान करें, ताकि मैं अगस्त ऋषि को दिए गए अपने वचन को पूर्ण कर सकूं। बड़े भ्राता कार्तिकेय, यदि आप विवाह नहीं करेंगे तो मैं भी आजन्म अविवाहित रहूंगा। तुम क्यों अविवाहित रहोगे? मेरा यही प्रश्न तो आपसे है। मैं बार बार स्पष्ट कर चुका हूँ कि मैं धर्म और शिव भक्ति के प्रचार का कार्य पूर्ण करना चाहता हूँ। मेरे जीवन का उद्देश्य और मार्ग भिन्न है, विवाह इसमें बाधक है, लेकिन तुम्हारे साथ ऐसी कोई स्थिति नहीं, इसलिए तुम्हें विवाह करना ही चाहिए। गणेश, हम कार्तिकेय को विवाह के लिए बाध्य नहीं कर सकते। स्थिति स्पष्ट है, अब तुम्हें विवाह करना ही चाहिए। हम राजा विश्वरूप को वचन दे चुके हैं, अब तो बुद्धि और सिद्धि का विवाह गणेश से ही करना होगा। नारद, तुम राजा विश्वरूप के पास जाओ और उन्हें सूचित करो कि वे विवाह की तैयारियां आरंभ करें। कार्तिकेय, तुम गणेश के विवाह के पश्चात ही दक्षिण जा पाओगे। जैसी आपकी आज्ञा मां, मैं गणेश के विवाह के पश्चात ही दक्षिण जाऊंगा। अर्थात गणेश के विवाह का शुभारंभ शुभ ही शुभ होगा, मंगल ही मंगल होगा। बोलिए मंगल मूर्ति गजानन गणेश की जय। मंगल मूर्ति गजानन गणेश की जय। श्वेतांगो सरनेत्र हस्ति वदना कंठे च मुक्तावली देवानां प्रमुखोस्ति शंकर सुतो शचंद्रवच्छान्तिदः विघ्नानां प्रतिकारकार्यकुशल चासीनमूषासनो सोयात गणनाथ भार्य यमने भूयाच सन्मंगलम्। स्वर्गं गा सुरभिश्च दैव ततरु सूर्या च भाकौमुदी सिद्धिं पुण्य विवाह कार्य परका
दृष्ट्वा च सम्मोहिताः तद्वद् बुद्धि विवाह कार्यकरणे मज्जन्ति दिग्देवताः इत्थं सिद्धि सुबुद्धिदन्ति यमने कुर्वन्तु वो मंगलम् नारायण नारायण उपस्थित भक्तगण ध्यान से सुनेंगे तो लाभ होगा। गणेश जी भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के पुत्र होने के कारण विघ्नहर्ता और सुखकर्ता तो है ही है, परंतु विवाह उपरांत अब उनके गुण और शक्ति में वृद्धि हुई है, क्योंकि अब उनके साथ बुद्धि और सिद्धि है। जो भी भक्तगण गणेश जी के साथ बुद्धि सिद्धि की आराधना करेगा उसे बुद्धि और सिद्धि के साथ रिद्धि वैभव ऐश्वर्य सब कुछ प्राप्त होगा। इसलिए मेरे प्रिय भक्तगण मेरे साथ प्रेम और श्रद्धा से बोलो ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय गौरी शंकर। जय गौरी शंकर। तेजस्वी यशस्वी। तुम तीनों को मेरा शुभ आशीर्वाद। जगत का कल्याण ही कल्याण करते रहो। अब मैं माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त कर दक्षिण की ओर प्रस्थान करूंगा। माता श्री पिता श्री आपकी आज्ञा और आशीर्वाद का इच्छुक हूं। आप अपने बड़े भ्राता को दक्षिण की ओर जाने से रोकते क्यों नहीं? व्यर्थ है उन्हें रोकना, दक्षिण ही उनका कर्म क्षेत्र है। वे वहां जाकर धर्म और भक्ति की नई परंपरा को सूत्रपात करेंगे तथा अन्य देवी देवताओं से अधिक पूज्य होंगे। गुरुमुखम षटमुखम सुब्रमण्यम आदि नामों से दक्षिणवासी उनकी पूजा करेंगे। दक्षिणवासियों के मन में शिव भक्ति की ज्योति जगाने तथा वैदिक धर्म के प्रचार हेतु कुमार कार्तिकेय ने दक्षिण की ओर प्रस्थान किया। वैसी ही शिव भक्ति उज्जैनी नरेश चंद्रसेन के हृदय में भी विराजमान थी। चंद्रसेन की शिव भक्ति से उज्जैनी के प्रजाजन भी अभिभूत थे। राजा चंद्रसेन सदा ही शिव भक्ति में लीन रहते थे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अरे रुक क्यों गया, चल आगे बढ़। तनिक सुनो माँ, ध्यान से सुनो। क्या सुनो? क्या तुम्हें कुछ भी सुनाई नहीं देता माँ? इन दो कानों से तो मुझे कुछ भी सुनाई नहीं देता, पर तेरे भी तो चार कान नहीं है। ऐसा क्या है जो मैं नहीं सुन सकती और तू सुन रहा है? ओहो माँ, कान से नहीं मन से सुनो, मन से फिर तुम्हें भी सुनाई देगा। क्या सुनाई देगा? ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अरे बेटे श्रीकांत, बेटे श्रीकांत।
रुको, अरे बेटे 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 शंकर रुक जाओ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मना करने पर भी घुसा है भीतर, मूर्ख बालक है, क्षमा करें महाराज। इसे मूर्ख क्यों कहती हो माता? इसे शिव भक्त क्यों नहीं कहती? ये तुम्हारा पुत्र है ना? हाँ हाँ महाराज, मेरा पुत्र है। तुम्हारे पुत्र के मन में भगवान शिव के प्रति प्रगाढ़ श्रद्धा है माता? कैसी श्रद्धा और कहाँ की श्रद्धा? मूर्ख बालक के मन में कहाँ से होगी श्रद्धा? क्षमा करें महाराज, आप इसकी मूर्खता के लिए इसे क्षमा करें महाराज। चल चल उठ, चल घर चल, चल चल घर चल, चल छोड़ दो नमः, छोड़ दो नमः, चल घर चल, चल 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 चल। मट्टी मारी गई है तेरी, पत्थर पड़ गए तेरी बुद्धि पर। तू महल में घुसा तो घुसा, राजा जी के पूजा कक्ष में भी जा घुसा। वो तो राजा जी ने उन पर दया की, नहीं तो तुझे और मुझे दोनों को कारावास में डाल देते। जीवन भर सड़ते रहते वहाँ। देख आगे से वहाँ जाने की मूर्खता कभी मत करना। किंतु माँ, मैं अपनी इच्छा से तो वहाँ नहीं गया था। नहीं नहीं, तुझे तो राजा जी ने बुलाया था। राजा जी ने नहीं माँ, भगवान शिव जी ने बुलाया था। चलता है चुपचाप, नहीं तो धुएं घुमा के। चल सीधी तरह चल, नहीं तो तेरा खाना पीना बंद कर दूंगी। मेरा खाना भले ही बंद कर दो, किंतु मैं भगवान शिव जी के दर्शन करने अवश्य जाऊंगा। मुझे जाने दो ना माँ। चल, सुना नहीं, मैं कहती हूँ चल, अरे घर चल। चल जल्दी जल्दी चल, नहीं तो राजा जी के सैनिक आते ही होंगे और पकड़ लेंगे हम दोनों को। तुम स्वयं भयभीत हो और मुझे भी भयभीत कर रही हो। कहाँ है राजा जी, कहाँ है उनके सैनिक, कौन आ रहा है हमें पकड़ने? माँ तुम घर जाओ, मुझे जाने दो ना भगवान शिव जी के दर्शन करने। मैं भगवान शिव जी के दर्शन करूँगा। फिर वही मूर्खों जैसी बातें। अरे दुर्बुद्धि, भगवान के दर्शन करते हैं राजा महाराजा, शिव उन्हीं को दर्शन देते हैं, हमें क्यों देने लगे भला वो दर्शन? ऐसा क्यों कहती हो माँ? भगवान राजा या रंक में भेद नहीं करते, वो सभी के होते हैं और सभी को दर्शन देते हैं। तू तू नहीं मानेगा? तुम ही मान जाओ ना माँ, मुझे जाने दो ना भगवान शिव जी के दर्शन करने। चुप हो जा और चल घर चल। छोड़ो छोड़ो, मैं तो चला भगवान शिव जी के दर्शन करने। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। कहाँ जा रहे हो तू? नदी में गहरा पानी है रे बेटा, रुक जा श्रीकर। श्रीकर, अरे अरे उसे बचाओ कोई, तेरा बेटा, तेरा श्रीकर कहाँ गया नदी में? शांत हो जा बेटा, अरे शांत हो जा बेटा, शांत हो जा, शांत हो जा, आ जाएगा, शांत हो जा, मैं आती हूँ बेटा, शांत हो जा बेटा, शांत हो जा बेटा, तेरा बेटा, तेरा श्रीकर। Oh
गोपा नदी किनारे रोती ही जा रही है। क्या हुआ उसे? लगता है उसका बेटा श्रीकर कहीं भाग गया है। भागेगा क्यों? कहीं गया होगा, आ जाएगा। वो शिवजी की भक्ति में बावला होकर नदी में कूद पड़ा। नदी में कूद पड़ा? अब उस बेचारी गोपा का क्या हाल हुआ होगा रोते रोते। अरे उसे कोई धीरज तो बंधा। हाँ, उस निर्धन का धन तो उसका बेटा श्रीकर ही है। अब खड़े खड़े यहाँ दया ही दिखाते रहोगे? चलो चलकर उससे पूछते हैं और श्रीकर को ढूंढने का उपाय करते हैं। हे भगवान, ये क्या कर दिया तुमने? ये क्या अन्याय किया? क्या दोष था मेरा? क्या अपराध किया था मैंने? क्या किसका मन दुखाया था मैंने? क्यों क्यों मेरे बेटे को मुझसे अलग कर दिया? अब मैं जीऊंगी किसके सहारे? हाय, मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? मेरा क्या होगा? कहाँ है वो? क्या बताऊं? कहाँ है वो? जानती तो वहां न जा पहुंचती। क्या तुम ये भी नहीं जानती तुम्हारा बेटा श्रीकर कहाँ है? केवल इतना ही जानती हूँ कि भगवान शिव के दर्शन की हट करते हुए वो शिप्रा नदी में कूद पड़ा और वहां से वो बाहर नहीं आया। क्या शिप्रा नदी में कूद पड़ा शिव दर्शन के लिए? तुमने रोका नहीं उसे? कैसी माँ हो तुम? तुम्हें भी कूद जाना था उसके पीछे। क्या किसी ने उसे नदी से निकाला नहीं? क्या वहाँ कोई नहीं था? होने से क्या होता है, कोई तैरना नहीं जानता था। पता नहीं क्या हुआ उसका, वो डूब गया या नहीं। गोपा नहीं, जो भगवान शिव की भक्ति करते हैं भगवान उन्हें ऐसे मरने नहीं देते, रक्षा करते हैं उनकी। हाँ, भगवान ने अवश्य ही उसकी रक्षा की होगी, वो जीवित ही होगा। काकी, काकी, श्रीकर जीवित है। क्या कहा? हाँ काकी, श्रीकर जीवित है। कहाँ है वो? काकी, श्रीकर नदी के उस पार है। कहाँ क्या कर रहा है वो? भगवान शिव की पूजा कर रहा है। नदी के उस पार पूजा कर रहा है अकेला? नहीं काकी, वो अकेला नहीं है, उसके आसपास राजा जी के सैनिक खड़े हैं। सैनिक? राजा जी के महल में घुस गया था, इसीलिए सैनिक उसे पकड़ने आए होंगे। क्या क्या दिन दिखाएगा मुझे बेटे श्रीकर। मैं आ रही हूँ उस पार, तेरे पास। श्रीकर, बेटे श्रीकर। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। महाराज रुकुदमन, कहिए महाराज सिंगर, देख रही है ना? हाँ, देख भी रहा हूँ और समझ भी रहा हूँ। राजा चंद्रसेन की इस नगरी में छोटे छोटे बालक भी शिव भक्ति और पूजा में डूबे हुए। जिस राज्य के छोटे बड़े सभी अपना कर्म भूलकर पूजा पाठ में लगे रहते हो, वहाँ आत्मरक्षा और नगर रक्षा की बात तो सोचना ही व्यर्थ है। प्रश्न ही उठता नगर रक्षा का। राजा सेवेदत्त, मैं तो कहता हूँ जिस राज्य का राजा चंद्रसेन स्वयं रात दिन शिव भक्ति में खोया रहता है, वहाँ की प्रजा भला अपनी रक्षा की बात सोच ही कैसे सकती है? और यदि सोच भी ले तो कर क्या सकती है? जहाँ राजा ही दुर्बल हो वहाँ की प्रजा तो और अधिक दुर्बल होती है।
तो जिस राज्य में राजा और प्रजा दोनों ही बेसुध हों, वहां तीसरों को स्थिति का लाभ उठाने से चूकना नहीं चाहिए। अर्थात आप मेरा अर्थ नहीं समझे? आप अपना अर्थ स्पष्ट करें महाराज रिपुदमन। इससे अधिक और क्या स्पष्ट करूं? आप राजा हैं और दूसरे राजा की राजनीतिक भाषा का ज्ञान तो आपको होना ही चाहिए। वैसे राजनीति में स्पष्ट कुछ नहीं होता। हाँ, राजनीति में तो सांकेतिक भाषा का चलन है, किंतु मूर्ख जन इसे छल कपट की भाषा कहते हैं। इस समय मूर्खों की चर्चा का क्या लाभ? मूल विषय पर आए तो उत्तम है। विषय और विचार तो हम दोनों के हित में है। इस उज्जैन नगरी का राजा चंद्रसेन सदैव ही शिव भक्ति में खोया रहता है। शासन पर उसकी पकड़ ढीली हो चुकी है। ऐसे में हम उस पर आक्रमण करके उज्जैन नगरी पर सहज ही अपना अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। फिर इसके दो बराबर भाग करके आपस में बांट लेंगे। मैं आपसे सहमत हूँ। हम सहज ही राजा चंद्रसेन को बंदी बना लेंगे। आज्ञा दीजिए महाराज, हम अभी अपनी अपनी सेना को लेकर जाते हैं और राजा चंद्रसेन को बंदी बनाकर लाते हैं। जाओ, विजयी हो, चलो। नहीं भगवान, नहीं, ऐसा नहीं होने देना। सब कुछ आपके वश में है। इन दुष्ट राजाओं के सोचने से क्या होता है? और फिर हमारे राजा जी तो आपके भक्त हैं, दिन रात आपकी भक्ति करते रहते हैं। क्या आप उनके साथ इतना बड़ा अन्याय करेंगे? उन दुष्ट राजाओं के हाथ में उनका राज्य दे देंगे? नहीं ना, मुझे विश्वास है, पूरा विश्वास है, आप ऐसा नहीं होने देंगे और हमारे राजा जी की रक्षा करेंगे। बोले ना, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। Shiva.